स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने जो भी सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ा होगा या हमने जो टॉपिक कवर किया वो आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है, एंड आपको उन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं बेटा, ठीक है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% आपके 12th में जितने भी फिजिकल के टॉपिक है उसमें से एक एक क्वेश्चन, चाहे वो जेईई नीट जेईई हो, मेन्स हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई एडवांस हो, चाहे वो एम्स हो, एक से दो क्वेश्चन फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। तो इन माय ओपिनियन आई रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट कि प्लीज प्लीज बी सीरियस फॉर दिस 5 टॉपिक्स एटलीस्ट, ओके। मतलब आपको ये कंफर्म मान के चले कि 30 मार्क्स इन टॉपिक्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ इसी टॉपिक्स पे, ये 5 से 6 टॉपिक्स पे ये 25 से 30 मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो Let us continue our chemical kinetics new topics. So I hope so आप enjoy करेंगे इस topic. I will give my best shot to enjoy. This is my one of our favorite topic. Okay. Now हमने thermodynamics पढ़ा था, chemical equilibrium पढ़ा था, now it is chemical kinetics. Chemical equilibrium हमने ये सीखा था कि आखिर किसी product मतलब जब reactant product में convert होता है तो उसका कितना percent वो product मतलब product में convert होता है, right? जिससे हमने ये पता भी चला था कि हमने ली चैटेलर प्रिंसिपल से फैक्टर हमने देखा कि भाई प्रोडक्ट का अमाउंट हम कैसे बढ़ा सकते। तो ली चैटेलर प्रिंसिपल में हमने सीखा था, ओवरऑल केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने ये सिखाया था आपको कि हम कैसे किसी भी तरीके से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इफ अ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है तो ऑब्वियस बात है पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर रिएक्शन मेरा गैसियस फेज में है और रिएक्शन मेरा रिवर्सिबल है तो हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये मेरा मेजरली टास्क था और मेजर चैलेंजेस भी थे और हमने बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो अब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी, कि क्या प्रोसेस लगाना पड़ेगा ताकि आपका वर्क डन मैक्सिमम हो जाए। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हमने थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट में ये पता चला कि भैया कितना अमाउंट कन्वर्ट होता है, आपको ये पता चला कि उस अमाउंट को कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी खर्च कितनी करनी पड़ेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि वो जो अमाउंट कन्वर्ट हुआ उसमें कितना टाइम लगता है, वो चीज मुझे केमिकल काइनेटिक्स से पता चलती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, बहुत ज्यादा। अगर कोई बच्चा बहुत ध्यान से सुने तो प्रैक्टिकली आपको यहाँ इन चीजें बहुत सारी समझ में आती है कि जब डेली मतलब जो इंडस्ट्रियल यूजेस में होते हैं वो इन तीन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, नाम से आपको समझ में आएगा काइनेटिक्स जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इट्स रिलेटेड टू द मोशन, कि भैया आपका मतलब केमिस्ट्री मतलब जो आपका रिएक्शन होगा वो काइनेटिक्स मतलब कितने स्पीड में जा रहा है, कितने देर में बन रहा है, ये तरीके की चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स में सीखते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि आपने देखा होगा दो एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं इस केमिकल काइनेटिक्स को समझाने के लिए, एक जनरल एग्जांपल जो डेली टू डेली लाइफ में हम यूज भी करते हैं। आपने देखा होगा जब गर्मियों में हम दही जमाते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं उसमें एक थोड़ा सा दही लेते हैं और हल्के निवाए दूध में हम उसको क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में क्या होता है वो दही ऑटोमेटिकली जम जाता है, आपको उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब रेनी सीजन होता है या बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो क्या होता है उस दही को फर्मेंट होने के लिए मतलब उस दही को जमने के लिए क्या होता है थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा गर्माहट चाहिए। तो क्या करते हैं मम्मी लोग क्या करते हैं थोड़ा चादर उदर लपेट उपेट के उसको क्या करते हैं उसको हीट देती है। इस वजह से मेरा क्या होता है जो दही जो मिल्क जो मेरा कर्ड में कन्वर्ट होता है उसका जो रिएक्शन है बेसिकली एंजाइम रिएक्शन, तो ऑब्वियस बात है एंजाइम रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इट्स नॉट दैट कि आपने अभी दही दूध में डाला और तुरंत कर्ड जम गया, जो पॉसिबल होता भी नहीं, एंजाइम रिएक्शन होता है ये, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब ये ऐसा होता है तो उसमें हम थोड़ा गर्मी देते हैं उसको गर्माहट ताकि मेरा दही जम जाए अच्छे से। लेकिन अगर आपने गर्मी में जब दही जम जाता है और आपने उसको बाहर के बाहर ही रखा तो दही खट्टा भी हो जाता है मतलब वो ज्यादा फर्मेंट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर उसी दही को जैसे जम गया मतलब 5-6 घंटे बाद उसके बाद आप फ्रिज में रख दो तो रिएक्शन क्या हो जाता है थोड़ी देर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखने से आप 10 दिन रखोगे तो फ्रिज खराब नहीं होगा, लेकिन ये होता है कि जो उसको फर्मेंटेशन की जो रेट होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, ठीक है, मतलब आप बात समझ रहे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग आपको मैं सर अब सर्दियों में क्या होता है सर्दियों में आपको ऑलरेडी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तो सर्दियों में क्या आप दही फ्रिज में नहीं भी रखे तो भी आपको दही जल्दी खराब होता नहीं है। तो जनरली ओवरऑल आप ये समझ पा रहे हो कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी रिएक्शन को फास्ट और स्लो करने में, पहली बात। दूसरी बात जब क्या होता है लीकर कंपनी में आपने देखा होगा
जितनी वाइन पुरानी होती है, जितनी वाइन पुरानी होती है उतना ही ज्यादा वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। तो अगर मैं एक अल्कोहल कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, तो सपोज करो मैंने रॉ मटेरियल में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए और ओवरऑल मेरा सपोज करो मैंने 3000 लीटर अल्कोहल बनाया, लेट्स से वाइन वाइन बनाया मैंने 3000 और उसमें मेरा टोटल कॉस्टिंग 20 लाख रुपीज लगा, लेकिन वो वाइन तुरंत नहीं बेच सकता है, उसको थोड़ा 3-4 साल क्या करना पड़ा, लकड़ी के बड़े बड़े गैलन में जमीन के अंदर उसको दबा के रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। जितना ज्यादा फर्मेंट होगा उतना ज्यादा अल्कोहल अल्कोहल के मतलब अच्छे कॉस्ट में बिकता है, ठीक है, जितना ज्यादा मतलब वाइन पुराना होता है उतना ज्यादा कॉस्टली माना जाता है। तो इसे क्या, अब आप थोड़ा गौर से समझिए, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं अपना पूंजी 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उसका रिटर्न 5 साल बाद मिलेगा तो क्या फायदा होगा, मतलब मेरा, मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ। तो केमिकल इंजीनियर का काम क्या होता है कि वो टाइम को 5 साल से, ठीक है, वो हो सकता है कि 5 साल से 5 महीने नहीं कर सकता है, लेकिन 5 साल से 2.5 साल वो कर सकता है बाय चेंजिंग प्रेशर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ये तीनों चीज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में या घटाने में, ठीक है। तो नाउ केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो लेट्स से इट्स अ बेसिकली क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या उसके फैक्टर्स, या हम इसके अंदर मैकेनिज्म भी देखेंगे। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको ऑब्वियस से बात अभी खत्म हो चुका है, आपने देखा होगा आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो निकालते हो कैसे निकालते हो, बाय सीइंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस स्टेप आप कहां देखते हो, स्लोएस्ट स्टेप में, फास्टेस्ट स्टेप में कभी आरडीएस स्टेप नहीं देखते। जो मैकेनिज्म होता है 2-3 स्टेप का होता है, जिसमें स्लोएस्ट स्टेप ही आपको क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और वहीं से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरव्यू, ठीक है। नाउ तो मैकेनिज्म वगैरह कैसा होता है, ठीक है, आखिर क्यों मैकेनिज्म इसका डिसाइड किया जाता है, इसका ऑर्डर 2 ही क्यों होता है, किसी ऑर्डर का 0 ही क्यों होता है किसी रिएक्शन, ये सब चीजें हम यहाँ पे अब सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। सो तो नाउ अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसका क्या होगा, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction, which deals with the rate of chemical reaction and various factor, and various factors which affects the rate of chemical reaction, which affects the rate of chemical reaction is known as chemical kinetics, is known as chemical kinetics. Is that clear? It also deals with the mechanism of the reaction. Okay. Now, what we have to study? आखिर इन चीजों में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमें जो पढ़ना टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। हमें पहला टॉपिक पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जस्ट वेट अ मिनट, factors affecting rate of reaction,
इसमें फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका, टेम्परेचर हो जाएगा, कैटलिस्ट हो जाएगा, कैटलिस्ट हो जाएगा डॉट डॉट डॉट।